हेलो फ्रेंड्स, आज का रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग बिट्रेड। एलिमेंट फ्रॉम मतलब कि पेशेंट की प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरह से, इसकी वजह से स्टार्ट होती है बिट्रेड। बिट्रेड की वजह से। बिट्रेड क्या होता है? बिट्रेड होता है किसी के साथ विश्वासघात करना, किसी के साथ बेवफाई करना, किसी के प्रति अनफेथफुल, किसी के ट्रस्ट को, किसी के विश्वास को तोड़ देना, किसी की ऐसी इंफॉर्मेशन जो कोई सीक्रेट्स हैं उनको एक्सपोज कर देना, उनको धोखे से किसी और को बताना जिससे कि उसको नुकसान पहुंचे। इस तरह धोखा देना किसी को। और सिंगुलर मेडिसिन है रस गलाबरा। इस मेडिसिन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब इसके साथ धोखा होता है। रस गलाबरा एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें धोखे वाले, चीटेड वाले बहुत सारे इसी तरह के रूब्रिक हैं। डिल्यूजन बिट्रेड दैट शी इज, उसको लगता है, उसको ये भ्रम होता है, उसको सच में लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसीट, उसके किसी दोस्त ने दोस्ती को तोड़ा है। एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, किसी ने प्यार में धोखा दिया है इसको, प्यार उसका तोड़ा है, निराशा दी है। डिल्यूजन चीटेड बींग, कि मुझे चीट किया गया है। सभी ऐसे ही वर्ड्स हैं जिनका मतलब धोखा देना, डिसलॉयल होना, बेवफा होना, बेवफाई करना, विश्वासघात करना। डिल्यूजन्स बीइंग अब्यूज्ड, के उसको अब्यूज किया गया है। डिल्यूजन्स इज डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड होता है किसी को नीची नज़र से देखना, किसी को रिस्पेक्ट ना करना, डिसरिस्पेक्ट करना, और उसको वर्थलेस समझना, उसको निग्लिजिबल समझना, अनवर्दी समझना। तो इसको लगता है कि मुझे लोग अनवर्दी समझते हैं। डिल्यूजन स्टैब्ड इन द बैक, कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है, मेरी पीठ पे स्टैब किया गया है। बिट्रेड बीइंग में, चीटेड बीइंग में, स्टैब्ड इन द बैक, सब में सिंगुलर है रस गलाबरा। और अब उसको क्या लगता है? डिल्यूजन्स डेंजर इंप्रेशन ऑफ वर्ल्ड इज डेंजरस, ये दुनिया ही खतरनाक है, दुनिया ही ऐसी है, क्योंकि उसे हर तरफ से धोखा मिला है, उसके दोस्तों की तरफ से, उसके प्यार की तरफ से। तो उसको ये लगने लग गया कि ये दुनिया ही ऐसी है, दुनिया ही खतरनाक है। हमारे पास एक और रूब्रिक है बिट्रेड, बिट्रेड के साथ डिसीव्ड। डिसीव भी होता है कि धोखा देना, किसी को बहकाना, किसी को भ्रमित करना, किसी को कुछ दिखा के जो कि सच्चाई नहीं होती, वो दिखा के उसको विश्वास करवाना कि यही सच्चाई है, जबकि वो झूठ होता है। दोनों में धोखा है, बिट्रेड में, डिसीव्ड में। लेकिन इसमें बिट्रेड में डिसलॉयल है, अनफेथफुल है। डिसीव्ड में उसको बहका के, उसको भ्रमित करके चीट किया जाता है। जैसे
किसी ने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उस प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो कागज़ तो दिखाएगा, पेपर्स तो दिखाएगा, लेकिन वो बात नहीं बताएगा कि यहाँ पे डिस्प्यूट है। उसने डिस्प्यूट की बात ही नहीं करनी, या किसी की शादी की बात चल रही है और एक पर्सन की वो दूसरी शादी है और वो दूसरी शादी का नाम ही नहीं लेते, बताते ही नहीं है, तो वहां पे डिसीव्ड होता है। जहां पे या तो सच्चाई को छुपाया जाता है, या तो सच्चाई को बताया ही नहीं जाता, या कोई और साइड दिखाई जाती है जिसमें उसको लगता ही नहीं है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। लेकिन जो रस गलाबरा है उसमें बिट्रेड हुआ है, धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, दोस्ती ने धोखा दिया है, प्यार ने धोखा दिया है, उसकी पीठ में छुरा घूमता है, ये इसका थीम है रस गलाबरा का। इसको हम उन केसेस में यूज कर सकते हैं जहां पे किसी के साथ इस तरह का धोखा हुआ है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू।